एक कवि ने कहा है, अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है। कवि नीरज कहते हैं, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है और कवि होना सौभाग्य। भारतेंदु कहते हैं, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देने वाले सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, प्रांतीय ईर्ष्या व द्वेष को दूर करने में जितनी सहायता हिंदी प्रचार प्रसार से मिलेगी उतनी दूसरी किसी चीज से नहीं मिल सकती। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, मेरी भाषा में तोते भी जब राम राम कहते हैं, मेरे रोम रोम में मानो सुधा स्रोत तब बहते हैं। सब कुछ छूट जाए पर मैं अपनी भाषा कभी न छोड़ूंगा, वह मेरी माता है उससे नाता कैसे तोड़ूंगा। नमस्कार, आज 14 सितंबर है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। इस पावन अवसर पर मैं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, समस्त हिंदी प्रेमियों को प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं कि हिंदी संपूर्ण भारत वर्ष की स्वाभिमान और राष्ट्रीय गौरव की भाषा बने और राष्ट्रभाषा के रूप में इसकी पहचान पूरी दुनिया में हो। भारत में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हिंदी को देश की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ था। तब से सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर हिंदी के विकास के लिए तमाम तरह के कोशिशें जारी है। संघीय राजभाषा अधिनियम अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई। भाषा केवल विचारों या भावनाओं को व्यक्त करने का केवल माध्यम नहीं, अपितु यह उस देश की सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों का ताना बाना भी है। भाषा ही हमें एक रूपता प्रदान करती है, एकता के धागे में पिरो कर रखती है, हमारे भीतर अपनेपन का बीजारोपण कराती है। जिसके पास अपना भाषा नहीं वह मूक है, गुंगा है। किसी भी देश की पहचान उस देश में बोली जाने वाली भाषा से ही होती है। एक देश के नागरिक जब अन्य देश में जाते हैं तो वे भाषाई आधार पर ही उनकी पहचान होती है। हमारे भीतर अपने भाषा का गौरव होना चाहिए। यह गौरव हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है, हमारे व्यक्तित्व को निखारता है, हमारी आंतरिक चेतना को जगाता है। भाषा से ही हम अपने विचारों का प्रचार प्रसार करते हैं, जिससे हमें ख्याति मिलती है। यदि किसी देश की अपनी राष्ट्रीय भाषा नहीं है तो वह देश कभी उन्नति नहीं कर सकता। आज संपूर्ण भारत वर्ष में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आजादी का यह जश्न वस्तुतः उन संकल्पों को दोहराने और उन सपनों को साकार करने के लिए है जो हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने देख रखे थे। ये स्वप्न थे भारत की संपूर्ण स्वतंत्रता, स्वाभिमान की प्रतिष्ठा, देश की उन्नति और स्वावलंबन। इन सभी सपनों को साकार करने में अन्य कारकों के साथ साथ हिंदी की महती भूमिका है। अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध स्वाभिमान व स्वतंत्रता की लड़ाई में हिंदी के योगदान के बारे में एक और नई पीढ़ी को प्रमुख तौर से बताने की आवश्यकता है, तो दूसरी ओर उन अहिंदी क्षेत्रों में इसे प्रचारित प्रसारित करने की जरूरत भी है। सन 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रीयता की भावना लोगों के भीतर तक हिंदी के द्वारा ही घर कर गई। सन 1864 में महाराष्ट्र के एक विद्वान श्रीमान पेठे ने मराठी भाषा में एक पुस्तक लिखी, जिसका शीर्षक था राष्ट्रभाषा। श्रीमान पेठे इसमें लिखते हैं कि आज देश की एकता के लिए एक भाषा की जरूरत है, वह भाषा हिंदी ही हो सकती है।
सन 1873 में पश्चिम बंगाल के महान समाज सुधारक केशव चंद्र सेन अपने पत्र सुलभ समाचार में लिखते हैं, भारतवर्ष की एक न होने से भारतवर्ष में एकता न हो तो उपाय क्या है? इसका उपाय है समस्त भारत में एक भाषा का प्रयोग करना। अभी भारत में जितनी भाषाएं प्रचलित है उनमें हिंदी सर्वत्र प्रचलित है। इस हिंदी भाषा को अपनाने में एकता अनायास हो सकती है। उधर गुजरात निवासी दयानंद सरस्वती ने हिंदी में अपना प्रचार प्रसार किया। उनका प्रमुख केंद्र हिंदी प्रदेश पंजाब था। वर्ष 1875 में उनकी पुस्तक आती है सत्यार्थ प्रकाश, जो हिंदी में लिखी गई थी। कहने का तात्पर्य यह है कि राष्ट्र की एकताकारी शक्ति और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की पहचान की शुरुआत हिंदी क्षेत्र से बाहर होना शुरू हो गई थी। बंकिम चंद्र चटर्जी, श्री अरविंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर बाल गंगाधर तिलक, वीर सावरकर, काका कालेलकर, सरदार पटेल आदि अन्य मनीषियों ने संपर्क भाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की वकालत की। लोकमान्य तिलक ने हिंदी के बारे में लिखा था, यह तो उस आंदोलन का अंग है जिसे मैं राष्ट्रीय आंदोलन कहूंगा और जिसका उद्देश्य समस्त भारतवर्ष के लिए एक राष्ट्रीय भाषा की स्थापना करना है, क्योंकि सबके लिए समान भाषा राष्ट्रीयता का महत्वपूर्ण अंग है। राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का उदय एक बड़ी घटना थी। महात्मा गांधी हिंदी को पूरे देश में जन जन की भाषा बनाने का संकल्प लेते हुए दक्षिण भारत तक हिंदी को फैला देने का उपक्रम करते रहे। तमिलनाडु के मदुरई में एक भाषण में उन्होंने स्पष्ट कहा था, हिंदी और केवल हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा बन सकती है। महात्मा गांधी के प्रयास से देश भर में हिंदी सेवी संस्थाएं स्थापित हुई। सारा जहां ये जानता है हिंदी ही हमारी पहचान है, संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। आइए अब हिंदी साहित्य के इतिहास पर एक नजर डालते हैं। किसी भी देश की भाषा और साहित्य वहां की जनता और समाज का सबसे बड़ा आईना होता है। अगर समाज और परिवेश में बदलाव होता है तो ये निश्चित है कि समय के साथ साथ भाषा और साहित्य में भी बदलाव होना लाजमी है। शुरू से अब तक इन्हीं परिवर्तनों को परखते हुए उसके साथ तालमेल दिखाना ही साहित्य और भाषा का इतिहास है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1000 साल पुराना है। भाषा वैज्ञानिकों के मुताबिक हिंदी साहित्य का इतिहास वैदिक काल से माना जाता है। हालांकि समय समय पर इसका नाम बदलता रहा, कभी वैदिक, कभी संस्कृत, कभी अपभ्रंश और अब हिंदी के नाम से जाना जाता है। हिंदी भाषा के उद्भव व विकास की प्रचलित धारणाओं के मुताबिक प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी का उद्भव माना जाता है। इसे विद्यापति ने देसी भाषा कहा। 11वीं सदी में देसी भाषा हिंदी का सच साफ हुआ। इस काल में राजाओं के संरक्षण में चारणों और भाटों ने रासों के रूप में प्रचलित वीर गथा काव्य लिखी। इसी दौरान मैथिली कोकिल विद्यापति हुए, जिनकी पदावली में मानवीय सौंदर्य और प्रेम की अनुपम व्यंजना मिलती है। अमीर खुसरो का भी यही समय है। इन्होंने ठेठ खरी बोली हिंदी में अनेक पहेलियां, मुकड़ियों की रचना की। गीतों और दोहों की भाषा ब्रज भाषा थी। 13वीं सदी में धर्म के क्षेत्र में अंधविश्वास तोड़ने के लिए भक्ति आंदोलन के रूप में भारतव्यापी सांस्कृतिक आंदोलन शुरू हुआ, जिसने सामाजिक और व्यक्तिगत मूल्यों की स्थापना की। इस तरह विभिन्न मतों का आधार लेकर हिंदी में निर्गुण और सगुण नाम से भक्ति काव्य की दो शाखाएं प्रचलन में आई। इसी दौरान कई बड़े बड़े ग्रंथों की रचना भी हुई। 18वीं सदी के आसपास हिंदी कविता के विकास में नया मोड़ आया, जो रीति या श्रृंगार काल से मशहूर हुआ।
जिसे तात्कालिक दरबारी संस्कृति और साहित्य से बढ़ावा मिला, तो वही आधुनिक काल यानी 19वीं सदी में भारतीयों का यूरोपीय संस्कृति से संपर्क हुआ। नए युग के साहित्यिक प्रमुख संभावनाएं खड़ी बोली गद्य में भी दिखी, इसलिए इसे गद्य युग कहा गया। आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव हिंदी भाषा और साहित्य दोनों पर काफी गहरा पड़ा। उन्होंने गद्य की कठिन भाषा को सरल बनाकर हिंदी को मधुर और सरल हिंदी साहित्य बना दिया, और हिंदी में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह से अलंकृत किया गया। वर्तमान हिंदी साहित्य को उत्कर्ष की उच्चतम चोटी पर पहुंचाने में महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद आदि लेखक व कवि प्रमुख हैं। जिसमें है मैंने ख्वाब बुने, जिससे जुड़ी मेरी हर आशा है, जिससे है मुझे मेरी पहचान मिली, वो मेरी हिंदी भाषा है। हिंदी भारत की राजभाषा के साथ साथ फिजी की भी राजभाषा है। मॉरिशस, त्रिनिदाद, टोबैगो और सूरीनाम में क्षेत्रीय भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिली है। इसे देखते हुए हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। वैसे यूनेस्को की 7 भाषाओं में हिंदी पहले से ही शामिल है। इसके अलावा मॉस्को को दुनिया में हिंदी के प्रमुख अध्ययन और अध्यापन के केंद्र के रूप में जाना जाता है। मॉस्को विश्वविद्यालय से हिंदी से स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी तक की जा सकती है। अमेरिका के भी कई राज्यों के स्कूलों में, महाविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई और लिखाई जाती है। इसी तरह चीन, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर समेत कई देशों के स्कूलों में और विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ने और पढ़ाने की सुविधा है। विदेशों में हिंदी की बढ़ती लोकप्रियता और इसके विकास के लिए मॉरिशस और भारत सरकार ने मिलकर मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना की है। हिंदी सरल, सुबोध और मनभावन भाषा होने के कारण विदेशी नागरिकों के मन में हिंदी के प्रति प्रेम गया नहीं है। 1933 में बेल्जियम में जन्मे फादर बुल्के ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भारत आए, लेकिन उन्होंने यहाँ हिंदी की तेज व दिव्यता को पहचाना और हिंदी और संस्कृत सीखकर यही रच बस गए और रामायण के प्रकांड विद्वान कहलाए। इसी तरह श्रीमद् भागवत गीता और अभिज्ञान शाकुंतलम से प्रभावित होकर जे विल्सन और जे एम फास्टर ने हिंदी सीखी और इनका अनुवाद अंग्रेजी में किया। 1800 के दौरान स्कॉटलैंड के जॉन गिलक्राइस्ट ने देवनागरी और व्याकरण पर कई पुस्तकें लिखी। बदलेंगे हालात हमारे, ये धरा मुस्कुराएगी, जन जन की भाषा हिंदी जब दिल से अपनाई जाएगी। आज सेना, अर्धसैनिक बल, रेलवे, बैंक, बीमा और केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों में हिंदी देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में बड़ा योगदान दे रही है, और आर्थिक उन्नति और रोजगार के लिए हिंदी का दायरा बढ़ते जा रहा है। हमें यह पता होना चाहिए कि हिंदी सिनेमा का कारोबार खरबों रुपये का है। देश में 2/3 चैनल हिंदी के हैं। देश की सर्वाधिक पठित अखबार हिंदी के हैं। कुल मिलाकर हिंदी सिनेमा और समाचार जगत में रोजगार की बड़ी संभावनाएं हैं। इसके अलावा विज्ञापन की दुनिया में हिंदी का बोलबाला है। शिक्षण के क्षेत्र में हिंदी तो है ही। देश में इंजीनियरिंग के बड़े बड़े संस्थान हिंदी में शिक्षण आरंभ कर रहे हैं। पूरी दुनिया में लगभग 200 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। कई मल्टीनेशनल कंपनियों के यहाँ हिंदी में कंटेंट राइटर की मांग बढ़ती जा रही है। सूचना प्रौद्योगिकी ने हिंदी को रोजगार परक बना दिया है। अतः हम कह सकते हैं कि लहराता रहा है सदियों से धरती पर हिंदी का परचम,
हिंदी के दम पर दुनिया ने देखा है भारत का दमखम। हिंदी उड़ान है सपनों की, मंजिल पाने की आशा है। हिंदी हर दिल की धड़कन है, हिंदी तो विश्व की भाषा है। धन्यवाद।